नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बंगला बगीचा मुद्दा लगातार गर्माता दिख रहा है। अगर वहीं बात की जाए तो निकाय चुनाव सर पर है, आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए नीमच जिले की, तो यहां पर सालों पुरानी बंगला बगीचा समस्या है जो बंगलावासियों के लिए नासूर बन चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर किस तरीके से कांग्रेस लगातार उठाती आ रही है, वहीं सरकार का कहना है कि हमने समस्याओं को पुरजोर से उठाया था और उसका हल भी कर दिया, लेकिन बंगला बगीचावासियों की जो पीड़ा है वे हम लगातार आप तक पहुँचाते आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस नेता तरुण भाईती जी, उनसे बात करेंगे किस तरीके से बंगला बगीचा समस्या जो थी वे बंगलावासियों के लिए किस तरीके से परेशानी का सबक बनती जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार जो दावे कर रही है कि इस जो सरकार ने जो समस्या थी उसको हल कर दिया। तरुण जी, अगर बात किया है तो बंगला बगीचा समस्या सरकार कह रही है हमने इसको हल कर दिया, लेकिन जिस तरीके से जो पोस्टर बंगला बगीचावासी लगा रहे हैं उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो नीमच के नेताओं ने विधायक और सांसद झूठे झूठे वादे किए कि हम बंगला बगीचा समस्या का समाधान करवा देंगे, उन्होंने नीमच की जनता को ठगा है। नीमच की जनता के साथ उन्होंने सरासर धोखा किया है। जनप्रतिनिधियों का फर्ज होता है कि हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा दें, उनको सहूलियत दें, लेकिन भाजपा के जो नेता विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू जैन एवं जो भी लोग ने मामला सुलझाने की बात कही, उन्होंने इसको काला कानून बना दिया। इतना ज़्यादा टैक्स लोगों पर थोप दिया कि जितने में ज़मीन खरीदी नहीं उससे कई गुना ज़्यादा तो उनको व्यवस्थापन में राशि जमा कराना पड़ रही है, जो एक सरासर धोखा है। उन्होंने इतनी ज़्यादा लीज रेंट कर दी कि 10-10 फीसदी व्यावसायिक अलग, आवासीय अलग अलग अलग, तो आम आदमी उसको भरपाई नहीं कर पा रहा है। किसी का अगर 2000 फीट का प्लाट है तो 10 लाख रुपये जमा कराने पड़ रहे हैं, तो इतना अधिक पैसा किस बात का? शासन तो गरीबों की मदद करने के लिए होता है, आम आदमी मदद करने के लिए होता है। यहाँ सब मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं बंगला बगीचा में, वो उन पर भाजपा नेताओं ने उनकी मदद करने के बजाय उनसे पैसा वसूलने का काम किया है, जो उनके साथ बराबर धोखा है, और ऐसे जनप्रतिनिधियों ने नीमच की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। तरुण जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस का एक सबसे बड़ा आरोप है कि सालों तक कांग्रेस का अध्यक्ष नगर पालिका में रहा, लेकिन उन्होंने इस समस्या को उलझाए रखा, एक दुकान के रूप में उन्होंने चलाया, क्या मानते हैं आप कितना बड़ा आरोप है? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हमने इस समस्या को हल कर दिया। तीसरी अगर बात की जाए तो बंगला बगीचावासी लगातार विरोध करते जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है? देखिए, भाजपा अगर ये कह रही है कि कांग्रेस ने उलझा दिया, तो पिछले 18 साल से सरकार भाजपा की है, उन्हें हमने गलत किया तो हमको सजा मिली। हम 2003 में विधानसभा हारे, 2008 में हारे, 2013 में हारे, 2018 में हारे, 4 विधानसभा चुनाव हम हारे हैं। नगर पालिका अभी भाजपा के पास है, नीमच से लेकर भोपाल तक उनकी सत्ता है। आखिर क्यों वो लोग इस समस्या पे नहीं बोल रहे? आज पूरा नीमच शहर बंगला बगीचावासी आंदोलन कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि वो 15,000 परिवार इससे दुखी हैं। वो लिख रहे हैं कि वोट नहीं, समाधान नहीं तो वोट नहीं। तो जनप्रतिनिधियों ने क्या तेल पी रखा, क्यों नहीं बोल रहे? वो नीमच के विधायक से पूछना चाहते दिलीप सिंह परिहार जी से मैं कि उन्होंने क्या ऐसा प्रयास किए बंगला बगीचावासियों के लिए? कोई पत्र भी लिखा? एक पत्र उन्होंने बंगला बगीचों के रहवासियों के पक्ष में नहीं लिखा। और जो उन्होंने काले कानून में बैठ कर ये समस्या उलझाई, इसके जवाबदार वो हैं। मेरा एक और बात ये कहनी, जैसे आपने कहा कि ये सत्ता की बात कही, तो भोपाल में सत्ता लगातार उनकी है, उन्होंने वो लोग ही इसको हल करने वाले हैं, और आज वो चुपचाप जनता आंदोलन कर रही है। प्रभारी मंत्री से जनता जाकर मिली, वहाँ भी उनको 2 टूक जवाब मिला, विधायक वहीं बैठे हुए थे, कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर बंगला सत्ता जिनकी है वही तो बात करेंगे, तो हम तो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि बंगला बगीचा की समस्या का समाधान व्यवस्थापन का संशोधन करें। कांग्रेस शासनकाल जब हुआ था, मैं आपको अभी आप बात पूछोगे लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई थी, तो कांग्रेस की सरकार ने हमने ऊपर भोपाल में ये बात रखी कि जो भाजपा ने व्यवस्थापन किया उसकी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उन लोगों पर बर्डन डाल दिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। उस समय तत्कालीन हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी, उन्होंने नीमच कलेक्टर को आदेशित किया, और यहाँ से नीमच कलेक्टर अजय गंगवार जी ने प्रस्ताव बना के भोपाल भेजा, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा राहत दी गई थी, एक 0 के बराबर टैक्स था, 0.5 टैक्स इसे शुरुआत करी थी, और 5,000 स्क्वायर फीट के ऊपर सारी ज़मीन को भी उन्होंने मालिकाना हक देने की बात कही थी। व्यावसायिक और जो घरेलू ज़मीनें हैं उन सबको उन्होंने एक समान टैक्स स्लैब बनाकर प्रस्ताव भोपाल भेजा, लेकिन किस्मत से सरकार हमारी चली गई। 11 महीने के 2019 के 11 महीने प्रस्ताव गया,
और उसके बाद हम इसको परिपालन करा पाते, उससे पहले हमारी सरकार चली गई। हमने तो पूरा प्रयास किया। आज जो प्रस्ताव 2.5 साल से भोपाल में रखा हुआ है, नीमच जिला कलेक्टर का प्रस्ताव है कि रेट कम कर दिए जाए, बिल्कुल नॉमिनल रेट है। तो दिलीप सिंह परियार जो आए दिन भोपाल जाते हैं, आए दिन मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के, फोटो मिलने के फोटो जारी करते हैं, आज तक बंगला बगीचे पर उन्होंने मुख्यमंत्री से क्यों बात नहीं करी, मेरा सबसे बड़ा सवाल है। विधायक जी से सवाल है, वो जवाब दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे हर बार मिलते हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री से मिलते हैं, लेकिन नीमच बंगला बगीचे वालों पे काले कानून की बात क्यों नहीं करते? आखिर उनसे क्या दुश्मनी नीमच वालों से ऐसी है? उन्होंने वोट लिए हैं, वो जवाबदार हैं इस चीज़ को लेकर। आज वो चुपचाप बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए, जनता से माफ़ी मांगे वो कि इस काले कानून को उन्होंने नीमच की जनता पर लादा है। तरुण जी, अगर बात की जाए जिस तरीके आपने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, तो एक आरोप भारतीय जनता पार्टी का ये भी है कि अब चुनाव आ गए तो कांग्रेस उठ के आएगी, अपनी बात रखेगी, हमने इस समस्या को उठाया था। अगर बात की जाए तो हमने भी देखा है कि विपक्ष मजबूती से इस बात को नहीं उठा रहा था। लंबे समय से जो विपक्ष गायब था, कहीं भी ना कोई धरना दिया है, ना कोई झंडा उगाया, सिर्फ आपके अलावा आपने पत्र लिखे, इसके अलावा विपक्ष कभी दिखा नहीं, तो क्या कहते हैं इसलिए? देखिए, ऐसा नहीं है, विपक्ष समय समय पर उस मुद्दे को उठाया है। पहले भी हम लोगों ने इस पर आंदोलन किया था, हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया जब इनकी मीटिंग भोपाल में चल रही थी, जब इन्होंने हमने पूरा नीमच में आंदोलन चला, उसके बाद भोपाल में वो इन्होंने मुद्दा सुलझाने की बात कही। उससे पहले भी मुद्दा कांग्रेस ने नहीं बनाया, मुद्दा भाजपा ने बनाया। उन्होंने बंगला बगीचे नगर पालिका पिछले नगर पालिका चुनाव में जनता से वादा किया था कि बंगला बगीचे समस्या को सुलटारा कराएंगे और समाधान कराएंगे, जिसमें सांसद भी थे, प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस थी, विधायक दिलीप सिंह परियार थे, नगर पालिका थे सप्पू जैन थे और अन्य जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने वादा किया था कि हम इसकी समस्या का समाधान कराएंगे और नीमच जनता को राहत देंगे, लेकिन समस्या का समाधान कराने भोपाल गए, समस्या का समाधान तो कराया नहीं और यहाँ पर जनता पर काले कानून लाद दिया, लाख करोड़ों रुपये का टैक्स लाद दिया। भाजपा ने झूठा वादा किया है जनता के साथ, कांग्रेस ने नहीं किया। और जहां तक बात है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही, आज विपक्ष की भूमिका मजबूत तरीके से कांग्रेस खड़ी है। आज बंगला बगीचा वालों के लिए हम हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं और आज भी आंदोलन चल रहा है। हम यही चाहते थे कि जनता आंदोलन करे और हम इनके साथ खड़े रहे। हम इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब भाजपा के विधायक मुँह में तेल कानों में तेल डाल के बैठे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या लोभ है, ऐसा क्या लालच है कि बंगला बगीचे वालों के लिए बात नहीं करना चाहते, इसके लिए लड़ाई हम लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं और हम लोग हमेशा शुरू से ही बंगला बगीचे वालों की समस्या समाधान के लिए पूरी पुरजोर ताकत के साथ खड़े हुए। अगर बात की जाए, एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी कि नीमच नगर पालिका में जिस तरह से सरकार ने मसौदा तैयार किया था, उसमें हिबानामा, रजिस्ट्री और हिंदूवादी बंटवारा सभी मान्य किए गए थे, लेकिन जिस तरह से नगर पालिका के अधिकारी जमे हुए, उन्होंने जो है सिर्फ रजिस्ट्री को मान्य किया, क्या कहते हैं आप इसे लेकर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आप मुद्दा उठा रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी को, सबसे पहले कि आपने पूरा लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया। एक बात मुझे बताएं कि जब कोर्ट एक सादे कागज पे अगर वसीयत लिखी होती है तो कोर्ट भी उसको मंजूर कर देती है। कोर्ट से ऊपर नहीं है जिला प्रशासन, नगर पालिका कोर्ट से ऊपर नहीं है। वसीयतनामा होता है, हिब्बानामा कोर्ट मान्य करती है, लेकिन ये लोग नहीं मान गए, ये तुगलक ही फरमान है। मैंने पूरे संशोधन मसौदे का अध्ययन किया, संशोधन मसौदे में पूरे में कहीं नहीं लिखा कि हिब्बानामा नहीं मान्य किया जाएगा, वसीयतनामा नहीं मान्य किया जाएगा, कोई भी पंजीकृत दस्तावेज अगर नहीं है तो भी ये व्यवस्थापन होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लिंक रजिस्ट्रियाँ, तीन तीन रजिस्ट्रियाँ मानी या दो दो रजिस्ट्रियाँ मांगी जाए तो ही हम करेंगे। ये सिर्फ नीमच के जो अधिकारी है, नेताओं की मिलीभगत से ऐसा कार्य हो रहा है। या तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि नीमच विधायक जी की कुछ भूमिका है, नहीं तो ये तो एक नीमच स्तर की बात है। और हमने जब कलेक्टर साहब जिला प्रशासन से कहा कि आप लिखित में दीजिए कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो कोई लिखित में पूरा ना तो नगर पालिका देने को तैयार है, ना ही कोई अधिकारी देने को तैयार है। तो इतनी बड़ी दुखद है कि नीमच के स्तर की समस्या का समाधान अगर नीमच के लोग, विधायक, सांसद और जो नेता अपने आप को भाजपा के अपने आप को कहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए शर्म की बात है। बहुत छोटी छोटी समस्याएँ हैं, हिब्बानामा, पंजीयन, ये सब हो जाना चाहिए था, जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो राहत दिलवाना ही नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि जनता लड़ती रहे, जनता हमारे आगे पे चक्कर लगाती रहे, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, वो फटाके फोड़ते रहें, उनको मिठाई खिलाओ, माला पहनाओ, लेकिन वो समस्या के समाधान में आगे नहीं आएंगे। माला आपके भी तीन पार्षदों ने पहनी थी जब समाधान हुआ था, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, परिषद में थे, परिषद प्रस्ताव भेजा था, तो उन्होंने भी परिषद में शामिल थे उस समय, वो परिषद का हिस्सा थे, तो उन्होंने पहनी थी, उसमें क्या गलत है? लेकिन बात उसके बाद की, समाधान समाधान करी, लेकिन जब मसौदा आया तो होश उड़ जाने वाले थे, जनता के होश उड़ चुके थे कि ये क्या आ गया। लेकिन जब और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कह दिया कि 5,000 से ऊपर फिट की ज़मीन जो रहेगी वो शासन की हो जाएगी। ऐसा क्यों? उन्होंने जो भी ज़मीन के मालिक हैं, उन ज़मीन खरीदी है,
वर्षों से उनका कब्जा है। एक तरफ शिवराज सिंह जी अलग अलग योजना लागू करते हैं, कहते हैं कि जिनका भाषण वो देते हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको हम जमीन का पट्टा देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में 2278 फीट का पट्टा देते हैं, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में देते हैं, तो ये लोग भी तो वर्षों से काबिज हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा, किस बात का पैसा शासन वसूल रहा है। ये पूरा जमीन का पैसा फ्री होना चाहिए, अंतिम अतिभोगी जो जमीन का रहा है उसको जमीन का हक मिलना चाहिए, उसके नाम होनी चाहिए, बिगर टैक्स है, बहुत नॉर्मल टैक्स इतने सालों का बाकी है वो ले और करे। शासन क्यों नहीं करना चाहता? आज 15,000 परिवार, इतने लाखों परिवार, लाखों लोग नीमच में रह रहे हैं, 1 लाख के ऊपर आबादी है, कई लोग नीमच में रह रहे हैं, आज सिर्फ 1500 व्यवस्थापन हो पाए हैं, ये जिला प्रशासन के लिए भी शर्मनाक है। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि इतना बड़ा टैक्स लगा दिया, कोई मामूली रुपए तो है नहीं, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, आदमी आसानी से जमा करा नहीं सकता। शासन को अगर टैक्स ले भी ना, किस्तें करनी चाहिए, मेरी पहली मांग है कि किस्तें करें। और दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने जो सबसे बड़ा काला कानून के ऊपर एक और काला कानून थोप दिया कि 30 मई तक आप अगर आवेदन नहीं दोगे तो हम आपको बेदखली कर देंगे। ये तो तुगलकी फरमान अत्याचार है, ये तो अंग्रेजों का शासन आ गया इस तरह से देखा जाए तो। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था कि हम आपको लगान नहीं दी तो हम आपको ज़मीन हड़प लेंगे, तो ये वही तो है, उसी काला कानून का अनुरूप है कि लगा अगर आपने नहीं पैसा जमा कराया, नहीं आपने समय पर आवेदन दिया तो ज़मीन शासन की हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी ज़मीन शासन की? हम लोग लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ अंतिम स्तर तक नीमच के बंगला बगीचे वालों की लड़ाई लड़ेंगे, और पूरी ताकत के साथ नीमच जनप्रतिनिधियों जो अपने आप को सत्ताधीश नेता कहते हैं उनको बताएंगे कि जनता की जनता बड़ी होती है और नेता छोटा होता है। तो ये थे युवा नेता तरुण बहती, जिन्होंने बंगला बगीचा समस्या जो है उसको लेकर अपनी बात रखी, साथ ही बंगलावासियों किस तरह की पीड़ा है उसे लेकर भी उन्होंने बताया कितनी बड़ी समस्या है और किस तरीके से भले सरकार दावे कर रही है कि हमने इस समस्या को हल कर दिया, लेकिन अब भी कई बंगला बगीचावासी है जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट, सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।